हेलो, वेलकम टू दी ऑनलाइन एमसीक्यूज प्रैक्टिस लेक्चर सीरीज फॉर नीट जेईई एंड गुजकेट। डियर स्टूडेंट्स, करंटली वी आर डिस्कसिंग पेपर सॉल्यूशन ऑफ गुजकेट 2018। क्वेश्चन नंबर 23। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन इम्प्योर वाटर इज इंसिडेंट ऑन ग्लास प्लेट इमर्स्ड इन इट। When the angle of incidence is 51 degree, the refracted ray is totally plane polarized. Given that refractive index of impure water is 1.4, the refractive index of glass should be blank. तो बच्चों यहाँ पे एक ray of light है, वो water medium से travel करते हुए वो glass medium पे incident होता है, right? अब और angle of incidence कितना बोला है 51 degree. अब जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो लाइट प्लेन पोलराइज बन जाती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 51 डिग्री द रिफ्लेक्टेड रे इज टोटली प्लेन पोलराइज। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों 51 डिग्री है तब रिफ्लेक्टेड लाइट टोटली प्लेन पोलराइज बन जाती है। तो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू पे रिफ्लेक्टेड रे टोटली प्लेन पोलराइज बन जाए दैट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज अ पोलराइजिंग एंगल। उसको क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग एंगल। मतलब यहां पे 51 डिग्री जो है वो पोलराइजिंग एंगल बन गया, राइट? अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? यहां पे वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है, हमें ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो बच्चों हमें पोलराइजिंग एंगल एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का रिलेशन चाहिए उसमें। तो वो बच्चों हमें मिल जाएगा ब्रूस्टर्स लॉ से। किससे मिलेगा? ब्रूस्टर्स लॉ। सो व्हाट इज अ ब्रूस्टर लॉ? ब्रूस्टर लॉ इज टेन थीटा पी इज इक्वल टू वन ईटा टू। व्हाट इज वन ईटा टू? ईटा टू डिवाइडेड बाय ईटा वन। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? ईटा टू फाइंड करना है। तो ईटा टू को सब्जेक्ट बना दो तो ईटा टू इज इक्वल टू हो जाएगा ईटा वन टेन थीटा पी। अब थीटा पी क्या है? पोलराइजिंग एंगल। कितना है यहाँ पे? 51 डिग्री। तो थीटा पी की जगह पे हम रखेंगे 51 डिग्री। सो टेन 51 दैट इज द, हमें यहाँ पे दिया गया कि टेन 51 डिग्री इज इक्वल टू 1.235। सो ये हो जाएगा 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.235। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 1.73। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अ कॉइल हैविंग 200 टन्स एज सरफेस एरिया ऑफ 0.15 मीटर स्क्वायर। अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2.2 टेस्ला applied perpendicular to this changes to 0.6 tesla in 0.4 second then induced emf in coil is blank volt। बच्चों यहां पे एक कॉइल है जिसमें 200 टन्स है और उसका सरफेस एरिया है 0.15 मीटर और ये कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसकी स्ट्रेंथ 0.2 टेस्ला से 0.6 टेस्ला चेंज होती है 0.4 सेकंड में, राइट? मतलब बच्चों यहां पे डेल्टा बी दिया गया है हमें, डेल्टा बी दैट इज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0.6 से लेके वो क्या, मतलब 0.2 से क्या हो जाती है 0.6, 0.2 से हो जाती है 0.6, ओके? एंड कितने टाइम में? दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.4 सेकंड। 0.4 सेकंड में ये 0.2 टेस्ला से 0.6 टेस्ला बन जाती है। तो इंड्यूस ईएमएफ हमें फाइंड करना है। तो बच्चों इंड्यूस ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फील्ड के चेंज का डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास नहीं है, बट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस ईएमएफ का रिलेशन हमें पता है। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एन डी फाई डिवाइडेड बाय dt, ओके? बट dφ डिवाइडेड बाय dt हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है बच्चों? db डिवाइडेड बाय dt है। हमारे पास क्या है? डेल्टा b डिवाइडेड बाय डेल्टा t है। तो बच्चों φ एंड b का कोई रिलेशन है? हाँ वो है। व्हाट इज दैट रिलेशन? φ इज इक्वल टू ba cos थीटा। φ इज इक्वल टू ba cos थीटा, राइट? b की वैल्यू हमें पता है, दैट इज अगर हम फाइव की जगह पे बी ए कॉस थीटा रख दे तो ये क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू एन डी डिवाइडेड बाय डी टी। क्या हो जाएगा बच्चों यहां पे? बी ए
कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे ए तो कांस्टेंट है एरिया, तो वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा कितना होगा, तो बच्चों यहाँ पे एक चीज याद रखो कि यहाँ पे क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.2 टेस्ला अप्लाइड परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल दोनों परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो एंगल है थीटा वो किसके बीच का है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कॉइल। तो बच्चों ये परपेंडिकुलर बोला है वो किसके बीच का एंगल है, कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, लेकिन ये जो एंगल है वो किसके बीच का है, कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल के सरफेस एरिया के बीच का। तो जब कॉइल को आपने परपेंडिकुलर रखा होता है तो यहां पे क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो बन जाएगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल के बीच का एंगल 90 डिग्री है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच का एंगल हो जाएगा जीरो डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, तो यहां पे ए भी बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, ई इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या होगा बच्चों, यहां से मिल जाएगा हमें डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज 0.6 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4, दैट इज 1 टेस्ला पर सेकंड। तो यहां पे रख दो 1 टेस्ला पर सेकंड। एन की वैल्यू कितनी है 200, सरफेस एरिया कितना है 0.15। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13 वोल्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, तो यहां पे बच्चों ये चीज का बहुत ही ध्यान रखना है एंगल का, क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। अ साइनोसोइडल एसी करंट फ्लोज थ्रू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। इफ द पीक करंट इज 2 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर देन पावर डिसिपेशन इन ब्लैंक व्हाट। तो बच्चों यहां से हमारे पास रजिस्टर है 10 ओम का, उससे करंट फ्लो रहा है और एसी सर्किट है, तो पावर डिसिपेशन कितना होगा वो फाइंड करना है। तो बच्चों एसी सर्किट में जब रजिस्टर से करंट फ्लो होता है तो उसका पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला हो जाता है पावर डिसिपेशन पी इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। बट यहां पे बच्चों ध्यान रखो कि ये पीक करंट है, आई आर एम एस करंट नहीं है, मतलब ये आर एम एस करंट नहीं है, पीक करंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीक करंट से आर एम एस करंट फाइंड करना पड़ेगा। सो उसका फॉर्मूला क्या है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाय रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2। वॉट इज आई नॉट, पीक करंट, पीक करंट कितना है 2, तो 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम्पियर। तो आई आर एम एस की जगह पे हम क्या रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम्पियर। आर की वैल्यू कितनी है 10 ओम, तो ये सब रख दो तो ये हो जाएगा 20 वॉट। सो करेक्ट आंसर इज 20 वॉट, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ 1। तो बच्चों यहां पे चार गेट हमारे पास है, चारों ऑप्शन में ए बी सी एंड डी। ये चारों में से कौन सा गेट आउटपुट 1 देगा फॉर गिवन इनपुट कॉम्बिनेशन। तो बच्चों हमें चारों गेट को चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट गेट की बात करें तो फर्स्ट गेट कौन सा है बच्चों, नैंड गेट है। कौन सा गेट है, नैंड गेट। अब नैंड गेट में क्या होता है कि दैट इज द इनवर्स ऑफ एंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, इनवर्ट ऑफ एंड गेट। तो अगर हम एंड गेट के आउटपुट को इन्वर्ट कर दे तो वो नैंड हो जाएगा। तो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। एंड गेट क्या करता है, इनपुट का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे ये इसका आउटपुट बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज एंड गेट आउटपुट और उसका इनवर्ट, बिकॉज नैंड इज द एंड प्लस नॉट। तो ये होगा एंड और इसका नॉट, तो ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट और इनवर्ट, तो ये हो जाएगा 0। ओके, तो मतलब गेट नंबर और गेट जो ऑप्शन ए में दिया गया है वो 1 प्रोड्यूस नहीं करता है। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। यहां पे ये कौन सा गेट है बच्चों, नॉर गेट है। कौन सा है, नॉर गेट। और नॉर क्या होता है बच्चों, और प्लस नॉट। नॉर दैट इज द और प्लस नॉट, मतलब और गेट का आउटपुट को आप कॉम्प्लीमेंट कर दो या इन्वर्ट कर दो तो ये बन जाएगा नॉर। तो और क्या करता है बच्चों, दोनों इनपुट का सम करता है। तो यहां पे 0 0 है तो और क्या करेगा, 0 प्लस 0 करेगा। ओके, और उसका नॉट मतलब उसका क्या करेगा, इनवर्स और इनवर्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट और इनवर्ट क्या हो जाएगा, 1।
तो इसका आउटपुट आएगा 1। क्लियर? मतलब ये ऑप्शन बी में जो गेट दिया है वो 1 प्रोड्यूस करता है, तो ये सही आंसर है। फिर भी सी एंड डी भी चेक कर लेते हैं। ये कौन सा गेट है बच्चों? एंड गेट है। एंड गेट क्या करता है? सिंपल दोनों इनपुट का मल्टीप्लीकेशन। तो इनपुट क्या है? 1 एंड 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा? 0। तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी चेक कर देते हैं। ये कौन सा गेट है बच्चों? और गेट है। और गेट क्या करता है? दोनों इनपुट का सम। तो 0 प्लस 0 क्या होगा बच्चों? 0। तो ये भी कैंसिल। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, दैट इज नॉर गेट, राइट। क्वेश्चन नंबर 28। इफ द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 आवर, इट्स एवरेज लाइफ इज ब्लैंक। बच्चों यहाँ पे हाफ लाइफ हमारे पास है, हमें एवरेज लाइफ फाइंड करनी है। सो टाउ हाफ इज गिवन, वो कितनी है बच्चों? 10 आवर। तो एवरेज लाइफ कितनी होगी वो फाइंड करना है। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है बच्चों, टाउ हाफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लेमडा। लेमडा इज द डीके कॉन्स्टेंट। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास लेमडा नहीं है, हमारे पास क्या है? हाफ लाइफ है, और हमें फाइंड करना है एवरेज लाइफ। सॉरी, दिस इज एवरेज लाइफ, सॉरी, टाउ एवरेज इज इक्वल टू 1 ओवर लेमडा होता है। सॉरी माय मिस्टेक, टाउ एवरेज इज इक्वल टू 1 ओवर लेमडा होता है। व्हाट इज लेमडा? डीके कॉन्स्टेंट। ओके, तो अगर डीके कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें पता है तो हमें एवरेज लाइफ इजीली मिल जाएगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे लेमडा की वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाफ लाइफ से लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमें एवरेज लाइफ मिल जाएगी। तो बच्चों हाफ लाइफ एंड लेमडा के बीच का क्या रिलेशन है? दैट इज हाफ लाइफ टाउ हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा। हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा। तो बच्चों यहां से हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, वो यहां पे रख दो तो एवरेज वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहां पे अगर मैं 1 ओवर लेमडा को सब्जेक्ट बनाऊ तो ये क्या हो जाएगा? टाउ हाफ 1 ओवर लेमडा को यहां पे सब्जेक्ट बनाओ, तो 1 ओवर लेमडा को सब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा? 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? टाउ हाफ डिवाइडेड बाय 0.693। अब टाउ हाफ हमारे पास है, हाफ लाइफ है, कितनी है? 10। So, ये हो जाएगा 10 ओवर डिवाइडेड बाय 0.693। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 14.4। कितना मिलेगा बच्चों? 14.4। सो करेक्ट आंसर इज सी, 14.4। सो बच्चों आई होप कि आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आपको पता चल गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चन ऑफ गुजकैट 2018 in our next class. Thank you very much.